मित्रों सादर नमन। आज नागपुर की यात्रा हम घोघरा महादेव की ओर मोड़ रहे हैं और घोघरा महादेव वाकई में एक ऐसा स्पॉट है जिसको विजिट किए बगैर नागपुर की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। और ये ऐसा स्थल है जिसको पेच नदी ने बड़े प्यार से सजाया और बनाया है। घोघरा गांव के नाम पर पेच नदी के किनारे इस साइट का नाम घोघरा महादेव पड़ा है। आइए घोघरा महादेव को आपको दिखाते हैं। घोघरा महादेव नागपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और ये पेच नदी के किनारे ये प्रकृति ने स्वयं बनाया है। इसमें मानव निर्मित कुछ भी नहीं है। हाँ, महादेव का मंदिर मानव निर्मित आप कह सकते हैं। तो चलिए आइए घोघरा महादेव आपको दिखाते हैं। चूंकि घोघरा महादेव का ये प्राकृतिक स्थल पेच नदी ने स्वयं निर्मित किया है, तो आइए आपको बताते हैं कि पेच नदी का उद्गम सतपुड़ा की पर्वतमालाओं से होता है। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा जिला में आपका उद्गम स्थल माना जाता है और ये कन्हान नदी में आगे जाके मिल जाती है। तो कामठी नागपुर एक तरह से पेच नदी का उद्गम स्थल है और कुलबहरा नदी भी इसमें आके मिलती हैं। और यहाँ पर पेच नदी पर ये घोघरा महादेव आने से पहले माचागोरा और तोतला डोह बांध इसी पेच नदी के नाम पर है और पेच नेशनल पार्क भी इसी नदी के नाम पर है। तो अब आइए आपको इस स्थल के बारे में दिखाते हैं। पहले तो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन एक पठारी भाग है जो पेच नदी के जल ने समय के साथ अपने जल की धाराओं से काट काट कर ये नुकीले नुमा अलग अलग स्ट्रक्चर हम लोगों को बनाकर इस प्राकृतिक तौर पर तैयार करके एक दर्शनीय स्थल के रूप में हम सभी को प्रदान किया है। इसमें बहुत बड़ा योगदान पेच नदी का है। यहाँ पर जो घोघरा महादेव का नाम जो पड़ा है, घोघरा नाम का ये विलेज है और इसी विलेज के किनारे ये स्पॉट है, इसलिए यहाँ पर सर्वप्रथम पेच नदी ने नंदी का स्वरूप डेवलप किया, जो सामने अभी आप हम आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे भी। नंदी का स्वरूप पेच नदी ने बनाया और बनाने के बाद फिर यहाँ पर महादेव की मूर्ति हम सभी ने यहाँ स्थापित किया। तो नंदी जी यहाँ पेच नदी ने बनाया, जो सामने आप देख पा रहे हैं, और भगवान शिव को फिर हम लोगों ने नंदी के सामने स्थापित कर दिया और कुल मिला के घोघरा गांव और महादेव हमारे स्वयं यहाँ स्थापित हैं। और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर पेच नदी ने कैसे बनाया होगा, आर यू इमेजिन इट? वाकई में इतने सारे स्ट्रक्चर इस तरह से यदि हम सभी को बनाने हो तो वर्षों लग जाएंगे, लेकिन ये पेच नदी है जो अपने जल की धारा से ये प्राकृतिक स्थल हम लोगों को बनाकर और हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो पेच नदी का यह प्राकृतिक स्थल देखने लायक है। अब देखिए ये एक खो के रूप में है, सामने पेच नदी की धारा दिख रही है और नीचे से जगह जगह ऐसा गड्ढा बना हुआ है जिसको देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुत जल्द अंदर अंदर एक सुरंग बना देगा। तो सुरंग जैसी स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बहुतायत में देखने को मिल जाएंगी आपको, लेकिन यहाँ पर सब कुछ प्राकृतिक है इसलिए खूब बचा बचा के कदम रखने पड़ेंगे। कुछ तो प्रशासन ने यहाँ पर हम लोगों को एक समतल करके बना कर दिया है, परंतु हमारी हिदायत आप सभी को है कि इस जगह पर आने के बाद एक एक कदम संभाल संभाल कर रखिएगा। किसी भी कदम पे आप यदि नहीं संभालेंगे तो आप गिर सकते हैं, आपको चोट भी लग सकती है।
इस तरह से ये पेंच नदी द्वारा बनाया हुआ यह स्थल वाकई में हम सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर स्थल है। भाखरी और झुनका यहाँ का स्पेशल डिश है, आइए उसके बारे में जानते हैं। ये ज्वारी का आटा है और इसको जो है रोटी के शेप में इस तवे पे डाला जाएगा, बाद में इसको पकने के बाद इसको भाकरी बोलेंगे, और साथ में बैंगन का भरता और झुमका। झुमका में क्या होता है? झुमका बेसन का रहता है। अच्छा झुनका, अच्छा बेसन का होता है। चलिए आने देते हैं, देखते हैं कैसा। ठेचा और अचार। अच्छा ठेचा। भाकरी और झुनका, झुनका यहाँ पर बेसन के बने हुए एक सब्जी का नाम है, साथ ही साथ यहाँ बैंगन का भरता, चावल, दाल, रायता और ज्वारे का एक पराठा और एक रोटी भी साथ में दिया जाता है। खोगरा महादेव का साइट सीन क्या कहने हैं। पेच नदी ने स्वयं इन चट्टानों को तराशा है और तराशने के बाद हम सभी के लिए यह सुंदर दृश्य पैदा किया है पेच नदी ने। तो ये पेच नदी के द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक सुंदरतम स्थल है, जहाँ पर हर चट्टान की अपनी एक कहानी है और हर चट्टान को आप कुछ भी तरह से इमेजिन कर सकते हैं। जैसा कि जगह जगह अभी आपने मंदिरों में देखा कि किसी को मंदिर बनाया गया, किसी को गणेश जी बनाया गया, किसी को पार्वती बना दिया और किसी को केवल कुंड बना दिया, तो इस तरह से ये घोगरा महादेव का साइट सीन है। वाकई में हमें तो बहुत अच्छा लगा। और ये नागपुर आने पर ये विजिट प्लेस है। घोगरा महादेव तक के लिए सिटी बस की भी सुविधा उपलब्ध है और आप ऑटो द्वारा भी आ सकते हैं और अपना कैब तो आपको ले ही आएगी। तो बोलिए घोगरा महादेव की जय। यह स्थान डॉक्टर अंबेडकर को समर्पित है और इस स्थान का नाम है दीक्षा भूमि। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और जब डॉक्टर साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था तो यहीं से उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था और ये उनके दीक्षा भूमि के नाम से फेमस है। और ये नागपुर में शहर के अंदर ही ये स्थित है और स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अम्बाझारी लेक, इस लेक की पेरेफेरी लगभग मेरे हिसाब से 5 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए और यह नागपुर में वाटर सप्लाई का सबसे बड़ा स्रोत है और प्रशासन यहाँ पर पाथवे बनाने का काम कर रही है। इस वजह से थोड़ा सा इसके पाथवे पे चलने का इच्छा तो मेरी ज़रूर रही है, लेकिन हमने उसको पोस्टपोन्ड किया। और साथ ही साथ इसी अम्बाझारी लेक के बगल में अम्बाझारी गार्डन भी बना हुआ है जो काफ़ी खूबसूरत है, जिसका समय सुबह 8 बजे से लेकर सायंकाल 5 बजे तक होता है, लेकिन 5 बज चुके थे इस वजह से हम ये लेक आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आप आइएगा, समय का ध्यान रखिए। स्वामी नारायण मंदिर नागपुर का एक प्रसिद्ध मंदिर है और ये रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आइए मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं और आपको मंदिर दिखाते हैं। आपका होस्ट मैं केशव जी, स्वामी नारायण मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वामी नारायण मंदिर ये हमारे भारत में अक्सर कई स्थानों पर उपलब्ध है और मन में सभी के कौतूहल होता होगा कि आखिर स्वामी नारायण कौन हैं। तो आइए आज स्वामी नारायण कौन हैं उनके बारे में बताने का एक छोटा सा प्रयास मेरा है। उत्तर प्रदेश के छपिया जनपद में घनश्याम पांडे नाम के एक युवक का जन्म हुआ 1781 में और 1792 में उनको नीलकंठ वाणी नाम दिया गया और 11 वर्ष की आयु में आपने 7 वर्षों के दौरान पूरे भारत के तीर्थों की यात्रा किया।
और लगभग 9 वर्ष और 11 महीने के बाद वो 1799 के आसपास गुजरात राज्य में जाकर बस गए और सन 1800 में उन्हें अपने गुरु स्वामी रामानंद द्वारा उद्धव संप्रदाय में शामिल किया गया और उनका नया नाम सहजानंद स्वामी दिया गया। 1802 में अपने गुरु के द्वारा उनके मृत्यु से पहले उन्हें उद्धव संप्रदाय का नेतृत्व सौंप दिया गया और स्वामी सहजानंद ने एक सभा आयोजित की और स्वामी नारायण मंत्र को उन्होंने सबको पढ़ाया और इसी बिंदु से स्वामी नारायण के रूप में वो जाने जाने लगे और उद्धव संप्रदाय का नाम भी स्वामी नारायण संप्रदाय के रूप में पड़ गया। स्वामी नारायण जी को उनके श्रद्धालु सीधे भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनको मानते हैं और उनको श्री कृष्ण भगवान की तरह ही जो भी विधि विधान है, जो भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान है, वही इस मंदिर में भी अपनाया जाता है और भगवान स्वामी नारायण के साथ ही साथ अन्य देवी देवता भी स्वामी नारायण के साथ ही साथ विराजमान हैं इस मंदिर में और जितने भी स्वामी नारायण के मंदिर होते हैं सब में इस तरह के देवी देवता आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरह से भगवान स्वामी नारायण का आपने अवलोकन किया और साथ ही साथ अन्य जैसे शंकर पार्वती जी, लक्ष्मी नारायण, अन्य देवी देवता इसी स्वामी नारायण मंदिर में स्वामी नारायण जी के साथ ही साथ विराजमान हैं और मंदिर 2 तल में बना हुआ है। तो इस तरह से आप स्वामी नारायण मंदिर का अभी आप अवलोकन कर रहे थे। तो बोलिए स्वामी नारायण जी की जय। स्वामी नारायण मंदिर वाकई में बहुत सुंदर है और मंदिर अंदर से देखने लायक है और मुख्य मंदिर जो सामने दिख रहा है उसके जस्ट नीचे अलग से भी मंदिर बनाया गया है, उसकी वीथिका बनी है और वहाँ स्वामी नारायण जी के पूरे जीवन काल को दर्शाया गया है। तो कृपया ज़रूर देखिए। कैसा लगा स्वामी नारायण मंदिर भाई, बताइए ज़रा आप भी। बस केवल बहुत अच्छा या सबसे अच्छा? सबसे अच्छे बहुत मंदिर होते हैं। अच्छा अच्छा, चलो भाई तो कुछ अच्छा लगा इनको, यही बहुत है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से स्वामी नारायण मंदिर से हम लोग विदा होते हैं और फिर किसी दूसरी जगह पे चल के आपको ज्वाइन करेंगे।